जो आपको पढ़ना है वह है हिमाचल प्रदेश। कौन सा? पहले नक्शा पर देखिए, हिमाचल प्रदेश इधर, ये है हिमाचल प्रदेश। कौन सा जगह? हिमाचल प्रदेश। ठीक, हिमाचल प्रदेश के बारे में बताए थे कि हिमाचल प्रदेश दो पहाड़ियों के बीच में स्थित एक पहाड़ी एरिया है और यह टूरिस्ट के लिए फेमस है, टूरिस्ट के लिए फेमस है। तो हिमाचल प्रदेश दो पहाड़ों के बीच में स्थित है, ऊपर से बताए थे पीर पंजाल और नीचे से धौलाधर, यानी पीर पंजाल और धौलाधर पहाड़ी के बीच में स्थित हिमाचल प्रदेश टूरिस्ट के लिए फेमस जगह है। किसके लिए? टूरिस्ट के लिए, यानी पर्यटन के लिए। किसके लिए? पर्यटन के लिए। अब आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दिए थे यहाँ पर कि हिमाचल प्रदेश का गठन, हिमाचल प्रदेश का गठन बताए थे कल 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। 25 जनवरी 1971 कब गठन किया गया? 25 जनवरी 1971 को। ठीक है, इसके बाद बताए थे कि अगर ये हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल की बात करें, कौन सा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कल के क्लास में भी बताया था मैं, क्षेत्र 55,673 किलोमीटर एरिया, किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला यह जगह पहाड़ी एरिया है और टूरिस्ट के लिए प्रसिद्ध है ना जी। कितना? 55,673 किलोमीटर स्क्वायर बताए थे। अगर हम हिमाचल प्रदेश की जिला की बात करें तो जिला कितना बताए थे? 12 गो जिला बताए थे। कितना जिला? 12 गो। हिमाचल प्रदेश में कितना जिला? 12 गो। कितना? 12। हिमाचल प्रदेश में जिला की संख्या 12। ठीक है, अब जिला 12 हो गया। इसके बाद जिला के बाद आपको बताए थे भाषा, क्या बताए थे? भाषा। हिमाचल प्रदेश में हिंदी तो बोली ही जाएगी, हिंदी के बाद कांगेरी, कांगरी, हाँ कांगरी सही है, कांगरी और लाहौली, लाहौली, कांगरी और लाहौली, भैया समझ लीजिएगा लाहौली। ठीक ना, यानी हिमाचल प्रदेश में तीन भाषा बोली जाती है, हिंदी कांगरी लाहौली, हिंदी कांगरी लाहौली। क्लियर, अब देखिए भाषा के बाद आपको बताए थे कि अगर विधानसभा सदस्यों की बात करें, विधानसभा सदस्यों की संख्या, ध्यान दीजिए, अगर विधानसभा सदस्यों की बात करें यहाँ हिमाचल प्रदेश में तो 68 गो यानी 68 सीट है यहाँ विधानसभा का। कितना सीट? 68 यानी 68 गो सीट विधानसभा का है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कौन गो सीट? 68, 68 गो। विधानसभा के बाद लोकसभा सदस्यों की संख्या, लोकसभा सदस्यों की संख्या, लोकसभा सदस्यों की संख्या 4 गो। कितना? 4। लोकसभा सीट कौन गो? 4 गो। लोकसभा 4 गो। अगर बात करें राज्यसभा, राज्यसभा सदस्यों की संख्या, राज्यसभा सदस्यों की संख्या की, तो वह है 3। 4 से एगो कम कर दीजिए, कितना? 3। लोकसभा कौन गो? 3। लोकसभा 4 गो, आ राज्यसभा 3। राज्यसभा कौन गो? 3 गो, आ विधानसभा 68 गो। जिला कौन गो? 12 गो। गठन 25 जनवरी 1971, क्षेत्रफल 55,673 किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर, भाषा कौन गो? 3 गो, पहला हिंदी कांगरी लाहौली। क्लियर, अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आपको और क्या बताए थे? सबसे अच्छा राजधानी भी बता देते हैं। पहले देखिए हाई कोर्ट, इसका जान लेते हैं हम लोग, यानी कि हाई कोर्ट, हाई कोर्ट यानी हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट है शिमला। कौन सा जगह? शिमला। कौन सा? शिमला। इसकी राजधानी की बात करें हम, राजधानी, राजधानी भी कहां पर? राजधानी भी है इसका
शिमला, राजधानी शिमला, राजधानी भी शिमला। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लाहौल स्पीति, कौन सा? लाहौल स्पीति। तो सबसे सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला बता दीजिए, लाहौल, लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति, सबसे बड़ा जिला लाहौल स्पीति, सबसे बड़ा जिला लाहौल स्पीति। और राजधानी शिमला, हाई कोर्ट शिमला, हाई कोर्ट शिमला। ये तो इन्फॉर्मेशन कल भी हम दिए थे आपको, इतना आपको कल भी बताए थे हम, है कि नहीं? और बताए थे ना कि हिमाचल प्रदेश का जो टूरिस्ट प्लेस है, जो एकदम हॉट स्पॉट माना जाता है पर्यटक के लिए, उस तीन को बताए थे, कुल्लू मनाली शिमला, कगो तीन गो, कुल्लू मनाली शिमला, तीन गो जो ये जगह है हिमाचल प्रदेश का, वह हॉट स्पॉट माना जाता है किसके लिए? टूरिस्ट के लिए। किसके लिए? टूरिस्ट के लिए, है कि नहीं? कुल्लू मनाली शिमला, ठीक है। तो इसका हम बताए थे कि पर्यटन स्थल हिमाचल प्रदेश में तीन गो, कुल्लू मनाली और शिमला, ठीक। अब थोड़ा सा उसके आगे मैं कहानी बढ़ाता हूँ, और अब आपको एक देखिए, ये हिमाचल प्रदेश है ना ये वाला, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा एगो अप्रोफ आइडिया नक्शा से ले लीजिए, क्योंकि मैप का क्लास है, एगो मैप का बेहतरीन आइडिया आपको होना चाहिए। सबसे ऊपर हम लोग पढ़ लिए जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, है ना, और जो भारत के अधिकार क्षेत्र में है, सब कुछ पढ़ने के बाद आप देखिएगा तो हिमाचल प्रदेश जो है, देखो इधर से पंजाब से, इधर से किससे सीमा बनाता है? पंजाब से। कौन सा ये स्टेट है? पंजाब। इधर से जम्मू कश्मीर, इधर से लद्दाख, आ यहाँ देखिए इस साइडवा में चलिएगा तो कौन सा, हाँ ये वाला कौन सा है? हरियाणा। कौन सा? हरियाणा। आ इस साइड में उत्तराखंड, इस साइड में उत्तराखंड, आ इधर से जो बनाता है, हाँ उत्तर प्रदेश यहाँ है, थोड़ा सा इधर में थोड़ा सा है ना टच करता है यहाँ पर, पाटा साहिब एगो जगह है, टच करता है यहाँ पर किस से? हिमाचल प्रदेश से। और इस एरिया में अगर हम देखें तो एगो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है चाइना के साथ, किसके साथ? चाइना। हालांकि वह चाइना नहीं है, तिब्बत है, लेकिन तिब्बत पर अधिकार कर लिया गया 1959 में चाइना के द्वारा, 1959 में किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। तो इस साइड में देख लीजिए, इस साइड से कौन सा? चाइना। कौन सा? चाइना, इस साइड से, है ना। तो इस साइड से एगो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, आ इधर से जो है राष्ट्रीय सीमा, देखिए 1 2 3 4 5 6 कगो 6, है ना। तो ये जो है एक पहाड़ी, दो पहाड़ियों के बीच में स्थित बहुत ही सुंदर जगह है। और हिमाचल प्रदेश के बारे में इतना आइडिया लेने के बाद, बेसिक इंफॉर्मेशन लेने के बाद, एगो यहाँ हम हिमाचल प्रदेश का फिगर बना देते हैं जो इस प्रकार से रहेगा। एक मिनट रुक जाइए, बना देते हैं इसे। ये है हिमाचल प्रदेश, एगो हम बना दिए यहाँ पर। और हिमाचल प्रदेश के बीचवे में एगो जगह है जिसका नाम है कुल्लू। क्या नाम है? कुल्लू नाम है। क्या नाम है? कुल्लू। ध्यान दीजिएगा, एगो बीचे में जगह है जिसका नाम क्या है? कुल्लू, ठीक है। अब ये जो कुल्लू है, उल्लू नहीं, कुल्लू, कौन सा जगह? कुल्लू। दो पहाड़ी के बीच में ये बसा हुआ जो हिमाचल प्रदेश है, बहुत ही बेहतरीन जगह है, टूरिस्ट प्लेस तो हॉट स्पॉट है पूरे भारत में। सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखो हिमाचल प्रदेश का जो जीडीपी है ना, सबसे ज़्यादा यहाँ जीडीपी जो चलता है टूरिस्ट से ही चलता है। पूरे भारत का छोड़ दीजिए, भारत के बाहर के भी लोग आते हैं और यहाँ पर ढेर सारा पैसा खर्च करके जाते हैं। तो वो पैसा जब खर्च होगा तो स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है, और स्टेट गवर्नमेंट से यहाँ का पूरा एगो स्टेट चल रहा है। देखो कितना अंतर है, एगो टेररिज्म यहाँ पर आतंकवादियों से एगो ये जल रहा है, कौन सा एरिया? जम्मू कश्मीर। और एगो टूरिस्ट से, देखो टूरिस्ट से एगो राज्य चल रहा है, एगो राज्य आतंकवादियों से ये जल रहा है और एगो राज्य टूरिस्ट से चल रहा है, दोनों में अंतर है ना जी, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है ढेर सारा पूरा झोंझे में टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, है कि नहीं। आप लोग भी जब पढ़ लिख करके नौकरी करने लगिएगा तो जाइएगा, बहुत बेहतरीन प्लेस है। कौन सा? कौन सा?
हिमाचल प्रदेश है कि नहीं। और हिमाचल प्रदेश के बीच में कौन सा जगह? कुल्लू। कौन सा? कुल्लू। अब हम हिमाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट जगह बता रहे हैं आपको, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है ना। तो देखिए, ये कुल्लू हो गया। कुल्लू के ऊपरा में इस साइड में, पहले मनाली बता दें, मनाली बिना दुबराइल वालों, तब मनाली बिना दुबराइल वाला तो है जा। देखो कुल्लू, आ कुल्लू के जस्ट ऊपर है कौन सा जगह? मनाली। कौन सा जगह? मनाली। तो लो है जा मनाली, मनाली कौन सा जगह? मनाली। हई हो गया कुल्लू, आ कुल्लू के जस्ट ऊपर मनाली। कौन सा जगह? मनाली। और यहाँ हम बता रहे थे आपको कि हिमाचल प्रदेश का तीन गो जो जगह है टूरिस्ट प्लेस है, हॉट टूरिस्ट प्लेस है कि नहीं, कौन कौन? कुल्लू, मनाली, शिमला। तो दो गो तो हम दिखा दिए आपको। ये है कौन सा जगह? कुल्लू। आ ये है मनाली। कौन सा जगह? मनाली। तो मनाली के बारे में जानकारी एक लाइन दे देते हैं आपको कि मनाली एगो टूरिस्ट प्लेस है, पर्यटक के लिए फेमस है। कौन सा? मनाली। यानी पर्यटन के लिए फेमस जगह कौन सा? मनाली। कौन सा? मनाली। ठीक। तो यहाँ पर हम इसको कह दिए कि मनाली के बारे में एक इन्फॉर्मेशन रखिएगा कि पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल कौन सा? मनाली। मनाली क्या है? पर्यटन स्थल है। मनाली क्या है? पर्यटन स्थल। अब मनाली के इस साइड में चलिएगा यहाँ पर, तो एगो जगह मिलेगा धर्मशाला। धर्मशाला, ध्यान दीजिए, ये धर्मशाला है। मनाली के इस साइड में कौन सा जगह? धर्मशाला। धर्मशाला के बारे में आपको जानकारी देते चल रहे हैं यहाँ पर। धर्मशाला, धर्मशाला, देखो धर्मशाला के बारे में देखिए, जब 1959 में, 1959 में जब अधिकार कर लिया गया किसके द्वारा? चाइना द्वारा। किस पर? तिब्बत पर। इधर देखिए, हई देखो इधर, हई तिब्बत का पठार इधर दिखाई दे रहा है, तो हई वाला हई तिब्बत है। कौन सा? तिब्बत। आ हई चीन है कि नहीं। तो चीन इस पर कब्जा कर लिया कब? 1959 में। तो जब कब्जा कर लिया तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो प्रतंत्रता को स्वीकार नहीं करते हैं, यानी प्रतंत्रता की बेड़ियों में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो अब तो आपके पास दो गो ऑप्शन है। चाइना के सामने तिब्बत का क्या औकात है? कुछ नहीं, कुछ नहीं कर सकता है। तब तो ऐसी स्थिति में विवश होकर के जो तिब्बत के लोग हैं, तो कुछ लोग जो प्रतंत्रता में रहना चाहते हैं वहीं पर रह गए, और कुछ लोग जो प्रतंत्रता की बेड़ियों में नहीं जकड़े नहीं रहना चाहते हैं, तो वो लोग क्या किए कि उसके आसपास के एरिया में चले गए है कि नहीं। तो तिब्बत से नज़दीक में सबसे महफूज जगह दिखाई दिया भारत। कौन सा? भारत। और भारत में हिमाचल प्रदेश कुछ लोग यहाँ से आ गए हैं, क्योंकि तिब्बत जो है ना इधर, तिब्बत इधर जो है ये भी पहाड़ी एरिया है, तो पहाड़ी एरिया में रहने वाले लोग पहाड़े वाला एरिया पसंद करेंगे। उनको ला करके बिहार में रख दीजिएगा तो उनको लगेगा कि कहाँ विपत जगह पर आ गए हैं, है ना जी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 1959 में जब तिब्बत किसके अधिकार क्षेत्र में चला गया? चाइना के। तो यहाँ के एगो बहुत बड़े धर्म गुरु थे, तिब्बती धर्म गुरु, उनका नाम था दलाई लामा। क्या नाम था? दलाई लामा। तिब्बती धर्म गुरु थे। क्या थे? तिब्बती धर्म गुरु। उनका नाम क्या था? दलाई लामा है कि नहीं। उन्होंने, यानी दलाई लामा ने क्या किया कि जब 1959 में चाइना अधिकार कर लिया तिब्बत पर, तो वह यहाँ से निकल गए और आ गए हिमाचल प्रदेश में। कहाँ गए? हिमाचल प्रदेश। जब उनका देश जो है प्रतंत्रता की बेड़ियों में गुलाम हो गया, तो ऐसी स्थिति में वह अपना देश छोड़ना पसंद किए, और उनको सबसे बढ़िया जगह दिखाई दिया भारत, और भारत में कहाँ पर? शिमला। आ शिमला में कहाँ पर? धर्मशाला। तो तिब्बती गुरु दलाई लामा का निवास स्थान कहाँ पर? धर्मशाला। दलाई लामा का निवास स्थान धर्मशाला, यानी निवास स्थान
तो कहा जाता है ना, यहाँ देखो धर्मशाला के बारे में कि यह तिब्बती गुरु दलाई लामा का निवास स्थान भी है। कौन सा? धर्मशाला। कौन जगह? धर्मशाला। ठीक है, धर्मशाला के बारे में और हम आपको बात बता दें कि यहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होती है, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर? धर्मशाला में। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? धर्मशाला में। यानी यहाँ पर जो मेघालय की बात कर रहे हैं आप, लेकिन ध्यान रखिएगा इस एरिया में सबसे ज्यादा अगर वर्षा देखा जाए, हम हिमाचल प्रदेश की ना बात कर रहे हैं, हम पूरे भारत की बात थोड़े ना कर रहे हैं। जब पूरा भारत को झोझे में पढ़ाएंगे तब ना कहेंगे कि सबसे ज्यादा बारिश मेघालय के मानसीराम में। हम तो अभी हिमाचल प्रदेश पढ़ा रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश वाला एरिया में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है? धर्मशाला में। कहाँ पर? धर्मशाला। धर्मशाला में एगो क्रिकेट स्टेडियम भी है, तो क्रिकेट वगैरह का जब मैच होता है तो धर्मशाला में होता है, तो उसको कहते हैं हम लोग कौन सा स्टेडियम? HPCA, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा बनाया गया स्टेडियम है। और यहाँ पर मैच वगैरह जब भी होता है हिमाचल प्रदेश में, तो वह होगा कहाँ पर? धर्मशाला में। हिमाचल प्रदेश में जब मैच होगा क्रिकेट का, तो वह क्रिकेट के लिए फेमस जगह कौन सा? धर्मशाला। कौन सा? धर्मशाला। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर? धर्मशाला। तिब्बती गुरु दलाई लामा का निवास स्थान धर्मशाला। कहाँ पर? धर्मशाला। और जो ये धर्मशाला में स्टेडियम है, उसका धर्मशाला में जो स्टेडियम है उसका नाम है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन उस स्टेडियम का नाम है। ठीक ना, तो ये हो गया धर्मशाला जो जगह था, ये तिब्बती गुरु दलाई लामा का निवास स्थान, सबसे ज्यादा वर्षा, और HPCA क्रिकेट स्टेडियम भी यहाँ मौजूद है। कहाँ पर? धर्मशाला में। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब देखिए धर्मशाला के इस साइडवा में आइएगा बाबू, यहाँ पर तो यहाँ है पालमपुर। कौन सा जगह? पालमपुर है। पालमपुर। कौन सा जगह? पालमपुर। देखो पालमपुर के बारे में भी हम आपको एक दो लाइन बताते चल रहे हैं। ठीक है, ये जगह कौन सा है? पालमपुर। तो पालमपुर के बारे में सुन लीजिए। पालमपुर, पालमपुर देखिए उत्तर भारत का चाय का राजधानी। पालमपुर उत्तर भारत का, यानी उत्तर भारत का चाय की राजधानी, चाय की राजधानी। उत्तर भारत का चाय की राजधानी कहाँ पर? पालमपुर। यानी उत्तर भारत का चाय की राजधानी पालमपुर। देखो बाबू उत्तर भारत का चाय की राजधानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर ये नक्शा देखिएगा आप, तो हम आपको जब पहला दिन मैप का क्लास शुरू किए थे तब बोले थे कि दुनिया का कोई भी नक्शा देखना होता है तो यह डायरेक्शन हम लोग लेते हैं, NEASW, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ना जी। हिंदी में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम है ना, तो हई देखिए हई नॉर्थ है। क्या है? नॉर्थ। तो नॉर्थ है तो नॉर्थे से ना पढ़ना शुरू किए हैं। बोलिए तो नॉर्थ में सबसे पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख पढ़ा है और उसके नीचे में क्या पढ़ा है? हिमाचल प्रदेश। तो अभी भारत को अगर हम लोग देखें तो ये नॉर्थ एरिया में है। भारत के किस एरिया में? नॉर्थ एरिया में। इसीलिए कहा जाता है ना कि उत्तर भारत का चाय का राजधानी कहाँ पर? पालमपुर। कहाँ पर? पालमपुर। क्योंकि उत्तरे में स्थित है भारत के कौन? हिमाचल प्रदेश। आ हिमाचल प्रदेश का जगह है कौन सा? पालमपुर। तो उत्तर भारत की चाय की राजधानी पालमपुर। इसको हम लोग टी सिटी भी कहते हैं। टी सिटी। पूछा जाएगा आपसे कि टी सिटी किसको कहते हैं? पालमपुर को। किसको? पालमपुर। नक्शा पर याद करते जाइएगा कहाँ कौन सा है, ना तो देंगे भरने के लिए नक्शा, तो फिर उस समय मत कहिएगा। ऐसे याद करिएगा बिचवा में कौन सा? कुल्लू। उसके जस्ट ऊपर मनाली, उसके इस साइड में धर्मशाला, इधर में पालमपुर। याद रहेगा ना। अब देखो अब पालमपुर के इस साइडवा में यहाँ पर एगो घाटी है। क्या है? घाटी। क्या है? घाटी। इस घाटिया का नाम है कांगेरी कांगड़ा घाटी। कांगड़ा
कांगड़ा घाटी, कौन सा घाटी? कांगड़ा घाटी। इस घाटी का क्या नाम है? कांगड़ा घाटी। तो घाटी है तो घाटी को हम ऐसे बना देते हैं, ऐसे ये बाबू घाटी है एगो, ठीक ना। इस घाटी का नाम है कांगड़ा घाटी, कौन सा? कांगड़ा घाटी। यानी कि जो हिमाचल प्रदेश है तो इस साइडवा में यहाँ पर कांगड़ा घाटी है, कौन सा? कांगड़ा घाटी। और कांगड़ा घाटी जो है धार्मिक स्थल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर एगो मंदिर है, कौन सा? मसरूर मंदिर, कौन सा? मसरूर मंदिर। तो कांगड़ा घाटी में, यानी कांगड़ा, कांगड़ा घाटी में, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा घाटी में स्थित एगो मंदिर है जिसका नाम है मसरूर मंदिर। कौन सा मंदिर? मसरूर मंदिर। देखिए ऐसा मान्यता है कि इस ये कांगड़ा जो घाटी है ना, देखो दो पहाड़ों के बीच पतला रास्ता को हम लोग दारा कहते हैं। क्या कहते हैं? दारा। आप लोग पढ़े भी थे जम्मू कश्मीर में चार गो दारा बताए थे ना। आप दो पहाड़ के बीच में जब ज्यादा रास्ता हो जाएगा बड़ा, जहां पर हम एगो छोटा गांव बसा सके, लोग रह पाए, तो उसको घाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घाटी। घाटी को उर्दू में वादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वादी। बहुत सारे गाना में आप लोग सुने होंगे ये वादियां जी। तो वादी का मतलब क्या होता है? घाटी। तो घाटी का घाटी उसी जगह को कहा जाएगा जो प्राकृतिक रूप से सुंदर हो, आप पहाड़ के बीच में हो, पहाड़ के बीच में, पहाड़ के बीच में ये स्थित बहुत ही बेहतरीन जगह है जिसको कांगड़ा घाटी नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? कांगड़ा घाटी। और कांगड़ा घाटी में ही एगो मंदिर है। ऐसा मान्यता है कि यह जो है बहुत ही सुंदर मंदिर है और यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं जाते हैं और वहाँ देवी का आशीर्वाद लेते हैं। वहाँ पर किस देवी का? मसरूर मंदिर है। कौन सा? मसरूर। इसकी सुंदरता और धार्मिक महत्व को देखते हुए कई बार यूनेस्को की टीम यहाँ आई है ना, इसको देखी समझी, लेकिन अभी तक यूनेस्को में इसको शामिल नहीं किया गया है। आप सबको बता दें कि यूनेस्को में उसी जगह को शामिल किया जाता है जो बहुत ही माने कई गो दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, है कि नहीं। अगर कई दृष्टिकोण से वह महत्वपूर्ण रहेगा और लगेगा कि इससे पूरे राष्ट्र को लाभ हो सकता है, पूरे वर्ल्ड को लाभ हो सकता है, तो उस जगह को यूनेस्को में शामिल कर दिया जाता है। और यूनेस्को में शामिल करने के बाद उसकी देखरेख की जिम्मेवारी यूनेस्को पर रहती है। किस पर रहती है? यूनेस्को पर। और कोई भी देश से अगर युद्ध हो जाता है, मान लीजिए कि हम भारत में हैं, अब भारत के कोई जगह को हम लोग यूनेस्को में शामिल हो गया, तो ध्यान रखिएगा, अगर भारत से कोई भी देश युद्ध लड़ेगा तो यूनेस्को में शामिल उन तमाम धरोहरों को ध्यान रखना पड़ता है। ये ना कि चलिए उसको भी नुकसान पहुँचा दें, तो उसके बहुत सारे सदस्य देश होते हैं और सब सदस्य देश मिलकर अधय के थूर देंगे, है कि नहीं। इसीलिए यूनेस्को में शामिल जगह को, यूनेस्को में शामिल धरोहर को बचा दिया जाता है। कब? युद्ध के दौरान। बात समझ में आई? तो इसको ना बात चल रहा है, कई बार यूनेस्को की टीम भी आई है इसको देखने के लिए, कांगड़ा घाटी के निरीक्षण करने के लिए। और यहाँ पर एगो मंदिर है जिसका नाम कौन सा है, क्या है? मसरूर मंदिर। तो ये जगह यूनेस्को में शामिल होने वाला है, यानी कि ये जो जगह है कांगड़ा घाटी, इसको यूनेस्को में शामिल होने वाला, अभी हुआ नहीं है लेकिन होने वाला है। कोई दिक्कत? ठीक है। तो है कौन सा घाटी? कांगड़ा घाटी। है ये वाला, ये वाला, ये वाला उल्लू। इतना तक में कोई दिक्कत? अब देखिए, अब चलते हैं, यहाँ पर एगो जगह है जिसका नाम है बिलासपुर। बिलासपुर, क्या नाम है? बिलासपुर। ध्यान से समझिएगा, इसका नाम क्या है? बिलासपुर। तब बिलासपुर जो जगह है, तब बिलासपुर के नजदीके से ध्यान रखिएगा, इस साइड में तनी एक बार ध्यान दीजिए, इधर है हिमाचल प्रदेश है ना, आ है तिब्बत है, कौन सा? तिब्बत। तो तिब्बत में एगो मानसरोवर झील है, कौन सी झील? तिब्बत में। तो हे वाला एरिया तिब्बत है ना, तो पहले नक्शा पर समझ लीजिए आ, इसके बाद वहाँ पर चलते हैं। तो नक्शा में ये बात है कि हई तिब्बत की पठार है और यहीं इसी के आसपास एगो मानसरोवर झील है। कौन है? मानसरोवर झील। इस मानसरोवर झील से एगो नदी निकली हुई है जिस नदिया का नाम है सतलज। का नाम है?
सतलज। सतलज नदी यहां से आती है और बिलासपुर से होते हुए, कहां से? बिलासपुर से होते हुए इधर पंजाब वाला एरिया में चली जाती है। किधर चली जाती है? पंजाब वाला एरिया में, ठीक है। तो बिलासपुर होते हुए जाती है कहां पर? पंजाब, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस एरियावा से हम एगो सतलज नदी जो है इधर बना देते हैं। हई वाला एरिया बता देते हैं आपको कि ये कौन सा एरिया है। ये है मानसरोवर झील, समझने के लिए। अब मानसरोवर झीलवे से, यानी हई मानसरोवर झील हो गया, यानी मानसरोवर झील ना जी। तो मानसरोवर झील से ही कौन सी नदी निकली है? सतलज। सतलज नदिया हई से निकल के फिर नीचे आई है, फिर हई से नदी है तो टेढ़ा मेढ़ा जाइबे करेगी। आ यहाँ पर बिलासपुर, कहाँ पर? बिलासपुर के आसे पास से, बिलासपुर के आसे पास से हे जाएगो भाखड़ा जगह है। कौन सा जगह? भाखड़ा। इस नदिया पर न भाखड़ा बांध बना दिया गया। सतलज नदी पर बना बांध बिलासपुर के आस पास भाखड़ा। कौन सा? भाखड़ा। हो ये है भाखड़ा। भाखड़ा आई, भाखड़ा जो बांध है सतलज नदी पर बना दिया गया। अब बांध बनाने का नतीजा ये हुआ, बांध बनाने का प्रभाव ये पड़ा कि हो जब किसी भी नदी पर बांध जब बना दीजिएगा तो जाहिर सी बात है बांध क्या करता है, उस पानी को कई दिशाओं में या तो मोड़ देगा, है कि नहीं, या उस एरिया में जहां बांध बनाया गया है बांध के इस साइड में फैल जाएगा। देखो ना कंडीशन हो सकता है। तो हई जैसे ही भाखड़ा बांध बना, भाखड़ा बांध, तो सतलज नदी का पानी जो है इस एरिया में पूरा फैल गया, इस एरिया में फैल गया। तो इस एरिया में जब फैल गया तो इस एरिया में जब फैल गया तो यहाँ पर एगो बना दिया गया झील। क्या बना दिया गया? झील। और उस झीलवा का नाम रख दिया गया गोविंद सागर, गोविंद सागर झील। कौन सा झील? गोविंद सागर झील। कौन सा झील? गोविंद सागर झील। आ गोविंद सागर झील जो नामवा पड़ा है ना, वह सिखों के दसवें गुरु, गुरु गोविंद सिंह के नाम पर पड़ा है। सिखों के दसवें गुरु के नाम पर पड़ा झील का नाम गुरु गोविंद, यानी गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील की उत्पत्ति ही हुई है सतलज नदी पर भाखड़ा बांध बनाने के चलते। हैजा जब बांध बनाया गया तो इसका पनिया जो है सतलज नदी का सब इस एरियाओं में फैल गया। आ जब फैल गया तो यहाँ पर यहाँ के लोग कहे कि रहिए रहिए, यहाँ पर एगो झील बना दिए और उस झीलवा का नाम रख दिए गोविंद सागर झील। क्या नाम रख दिए? गोविंद सागर झील। बात समझ में आई? अब देखिए, अब क्या होता है कि जब गोविंद सागर झील बना दिया गया तो इसमें पानी जो है यहाँ पर बहुत सारा सतलज नदी का इसमें ठहरता है कि नहीं। तो एगो बात और जान लीजिए, तो पानी, नदी के पानी को आप बहुत देर तक रोक कर नहीं रख सकते हैं, है कि नहीं। तो जब यहाँ से बांध बनाया गया, जब यहाँ पर बांध बनाया गया, बांध जब खोला गया तो इधर पानी आया। तो ये एरिया कौन सा है? पंजाब वाला। कौन सा एरिया है? पंजाब। नक्शा में देखिए, हई है हिमाचल प्रदेश आ हई है पंजाब। पंजाब में एगो जगह, यहाँ पर एगो जगह था नांगल। क्या जगह था? नांगल, नांगल। आ यहाँ पर भी एगो बांध बना दिया गया, इसका नाम रख दिया गया नांगल बांध। कौन सा बांध? नांगल बांध, है कि नहीं। तो दो गो बांध बनाया गया, एगो भाखड़ा बांध जो हिमाचल प्रदेश में, एगो नांगल बांध जो पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब में। आ दोनों बांधवा एक ही नदिया पर। कौन सा नदी? सतलज नदी। कौन सा? सतलज नदी। तो सतलज नदी पर एगो बांध फेमस है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। इस बांधवा का नाम अब दोनों मिलाइए के पढ़ते हैं आप लोग, भाखड़ा नांगल बांध। कौन सा? भाखड़ा नांगल बांध। और भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर? सतलज। भाखड़ा और नांगल दोनों एक ही नदिया पर बांध बनाया गया है। कौन नदी? सतलज। इसीलिए इस बांधवा का नाम हम लोग पढ़ते हैं भाखड़ा नांगल बांध। कौन सा बांध? भाखड़ा नांगल बांध, है कि नहीं। भारत का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा नांगल बांध, लेकिन गुरुत्वीय बांध में,
किस बांध में? गुरुत्वीय बांध में। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई बाबू बताए थे 225 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर? 225 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है, भाखड़ा नांगल बांध। कितना मीटर? 225। एक बार यूपीएससी खखोर करके क्वेश्चन पूछ दिया ऐसे ही। क्या किया ना, ये पूछा कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध बताइए। आप पहले के ऑप्शन में दे दिया, पहले के ऑप्शन में दे दिया वहां पर कौन सा? टिहरी बांध। अब भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी, 255 मीटर है। उसकी ऊंचाई कितना है? 255। लेकिन उसमें एगो लाइन जोड़ दिया था गुरुत्वीय। क्या जोड़ दिया था? गुरुत्वीय। तो गुरुत्वीय जब लग गया ना, तो जो टिहरी बांध 255 मीटर भारत का सबसे ऊंचा बांध है, वह गुरुत्वीय बांध नहीं है, वो पिलर वाला बांध है। कैसा बांध है? पिलर बांध। दो तरह का, एगो पिलर वाला, एगो गुरुत्वीय। तो गुरुत्वीय बांध उसमें लगा दिया था। आइए कॉन्सेप्ट अगर जो नहीं पढ़ा है बढ़िया से, उसको पता नहीं चलेगा कि गुरुत्वीय बांध क्या है, पिलर वाला बांध क्या है कि नहीं। बांध बांध है। जो ऐसे पढ़ने वाला वन लाइनर लोग हैं उनसे तो ये क्वेश्चन मिस कर गया। अब बहुत सारे लोग, अधिकांश लड़के का रिजल्ट उसमें, अधिकांश लोगों का देखा गया था कि वो लोग मारे थे कौन सा? टिहरी बांध। क्योंकि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? टिहरी। और 255 मीटर उसकी ऊंचाई है, आ इसकी तो ऊंचाई 225 मीटर है कि नहीं। लेकिन गुरुत्वीय बांध में सबसे ऊंची बांध है ये, गुरुत्वीय बांध में सबसे ऊंचा। गुरुत्वीय बांध में देखिएगा, आप देखिएगा जब इसको आप सर्च करके देखिएगा तो हैसे पुलिया बनाया जाता है गुरुत्वीय बांध का। हैसे एगो पहले पिलर बना दिया जाएगा, समझ रहे हैं? हैसे नीचे वाला एगो हैसे बना दिया जाएगा, आ इसके बाद इसी पर हैसे पिलर खड़ा कर दिया जाएगा। पिलर ना माने हैसे, आ यही में से पनिया सब जाई, यही में से, समझ रहे हैं ना? ऐसा ही बनाया गया है भाखड़ा नांगल को। आ जबकि पिलर वाला बांध में देखिएगा तो हैसे बनाया जाएगा, पानी में हैसे पिलर लगा दिया जाएगा। है सब पानी है, आ पानी में पिलर है, खाली पिलरे है दीवाल नहीं रहता है नीचे, आ इसमें दीवाल पर पिलर रहता है, समझ रहे हैं? तो है गुरुत्वीय हो गया, आ है का हो गया? पिलर वाला हो गया, है कि नहीं? तो सबसे ऊंचा कौन सा? टिहरी बांध, लेकिन वह पिलर वाला है कि नहीं? अभी देखिएगा ना, यहाँ गंगा जी में बन रहा है यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए इससे, पटना वाला से, है ना? यहाँ बन रहा है, देखिएगा बीच बीच में पिलर बनाया जा रहा है ना? हई वाला जो बांध देखिएगा तो ऐसा नहीं है, इसको पहले नीचे जो है उसको बनाया जाता है और तब जाके उस पर छोटा छोटा पिलर खड़ा किया जाता है। तो दोनों में अंतर है कि नहीं? अब देखिए तो हई जो गुरुत्वीय बांध है वो छोटी छोटी नदियों पर संभव है, आप पिलर वाला बांध बड़ी बड़ी नदी पर बना सकते हैं, है कि नहीं? अब देखिए तो यहाँ पर दोनों एक ही नदिया पर, कौन कौन? भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा और पंजाब में नांगल, दोनों एक ही नदिया पर बांध, तो इसीलिए इसको पढ़ते हैं भाखड़ा नांगल। कौन सा बांध? भाखड़ा नांगल बांध। इतना तक में कोई दिक्कत? हाँ, इससे झील जो बना था उसका क्या नाम है? इस झीलवा का नाम गुरु गोविंद सिंह के नाम पर, यानी गुरु गोविंद सिंह सिखों के दसवें गुरु, सिखों के दसवें गुरु, उन्हीं के नाम पर पड़ गया। किसका? गोविंद सागर झील। यहाँ तक में कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं और इस एरिया में चलिएगा तो यहाँ पर वो जगह है जिसका नाम है, इस साइड में कर देते हैं, यहाँ पर जिसका नाम है सोलन। क्या नाम है? सोलन। क्या नाम है? सोलन। तनि सोलन के बारे में एक लाइन ध्यान दीजिए, है कि नहीं? सोलन जो जगह है बाबू, सोलन जो जगह है यह मशरूम की खेती के लिए प्रसिद्ध जगह है। किसका? मशरूम। तो मशरूम की खेती यानी मशरूम की खेती के लिए प्रसिद्ध जगह कौन सा? सोलन। यानी मशरूम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जगह हिमाचल प्रदेश में कौन सा? सोलन। कौन सा? सोलन। कौन सा जगह? सोलन, मशरूम के लिए। आ मशरूम के साथ साथ दवाई उद्योग के लिए भी ये प्रसिद्ध जगह है। कौन सा? सोलन। तो सोलन दो तरह से महत्वपूर्ण है, हिमाचल प्रदेश का जो सोलन जगह है वह दो तरह से महत्वपूर्ण है, मशरूम की खेती के लिए और दवाई उद्योग के लिए, दोनों
दोनों चीज जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है कि नहीं? कौन कौन? मशरूम की खेती, मशरूम उत्पादन और सोलन दवाई। तो मशरूम के लिए प्रसिद्ध जगह सोलन, कौन सा? सोलन, कौन सा? सोलन, ठीक है। अब देखिए सोलन के इस साइडवा में जब जाइएगा, सोलन के इस साइडवा में तो एगो रिकोंग पियो जगह है, कौन सा? रिकोंग पियो, रिकोंग पियो, रिकोंग पियो। तो रिकोंग पियो जो है ना वह अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, क्या बनाता है? अंतरराष्ट्रीय। इसका अधिकांश एरिया ऐसे लगता है तिब्बत से लगता है, किसे लगता है? तिब्बत से। तो रिकोंग पियो एक ऐसा जगह है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, क्या बनाता है? अंतरराष्ट्रीय सीमा, रिकोंग पियो। क्या नाम है इसका? रिकोंग पियो, कौन सा जगह? रिकोंग पियो, कौन सा जगह? रिकोंग पियो, ठीक ना। अब आ जाइए यहां पर, जब आइएगा, 225 मीटर मिटा देते हैं, हमको जगह की जरूरत है। यहां पर जब आइएगा तो यहां पर एगो जगह है, यहां पर एगो जगह है, इस साइड में लिखते हैं यहां पर, इसका नाम है शिमला। क्या नाम है बाबू? शिमला नाम है। क्या नाम है? शिमला। क्या नाम है? शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट शिमला। आलू अनुसंधान केंद्र शिमला, यानी आलू अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है? शिमला। आ हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी कहाँ पर? शिमला। आ हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट भी कहाँ पर? शिमला, है कि नहीं? तो शिमला तो ये हो ही गया। इसके नीचावा आइएगा तो हेजा एगो हरियाणा में जगह है, हरियाणा में, कहाँ पर? हरियाणा, ध्यान रखिएगा। हई शिमला जो है हिमाचल प्रदेश में है, आ हिमाचल प्रदेश के सटल है हरियाणा में एगो जगह है जिसका नाम है कालका। क्या नाम है? कालका। क्या नाम है? कालका। कालका भी पहाड़ी जगह है। आ शिमला के तो बारे में कहना ही नहीं, बहुत ही बेहतरीन जगह है पर्यटक के दृष्टिकोण से। तो इसके बीचवा में 76 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कितना किलोमीटर? 76 किलोमीटर का डिस्टेंस है कि नहीं? तो 76 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, इसमें ना इसकी सुंदरता को देखते हुए इसके और इसके बीच में रेलवे लाइन बिछा दिया गया। क्या बिछा दिया गया? रेलवे लाइन। जो पर्यटक लोग जाते थे तो कालका जाते थे तो कालका को देख के उनका मन दिग्भ्रमित हो जाता था, आ इधर जितना बढ़ते जाते थे और ही सुंदर जगह मिलता था। तो इसको क्या किया गया कि पर्यटक के हॉटस्पॉट होने के चलते कालका और शिमला के बीच में रेलवे लाइन बिछा दिया गया, समझ रहे हैं? आ उस रेलवे लाइनिया का नाम रख दिया गया कालका शिमला रेल मार्ग। क्या रख दिया गया? कालका शिमला रेल मार्ग। चूंकि यह कालका और शिमला के बीच में स्थित है इसीलिए इसका नाम रख दिया गया कालका शिमला रेल मार्ग। क्या रख दिया गया? कालका शिमला रेल मार्ग। और कालका शिमला रेल मार्ग इतना बेहतरीन काम किया और इतना सुंदर जगह बना कि कालका से लोग चढ़ते हैं, यहाँ से बहुत सारी ट्रेनें खुलती हैं स्पेशल पर्यटक के लिए ही, है कि नहीं? और ये ट्रेनवा भी विशेष प्रकार का रहेगी, उसमें बड़ा बड़ा खिड़की रहेगा। आ इस एरिया से जब आप होकर के गुजरिएगा तो एक सीख आपको दृश्य देखने को मिलेगा, बाघ ऐसे ही खुले देखने को मिलेगा, शेर मिलेगा, हाथी मिलेगा, जंगली घोड़ा मिलेगा, है कि नहीं? हिरण मिलेगा, तमाम तरह के ऐसे चीज मिलेंगे और साथ साथ बहुत सारे सुरंग भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे? सुरंग, है कि नहीं? 93 गो सुरंग से होकर के जाना पड़ता है। कितना? 93। और 93 गो सुरंग का मतलब ये है कि उसमें ना ऐसे पहाड़ को काट करके बनाया गया है, पहाड़ को काट करके उसमें ट्रेन जाएगी, है कि नहीं? और जैसे ही सुरंग से पार करिएगा तो इधर प्राकृतिक दृश्य, अब बहुत ही सुंदर, क्या कहते हैं कि बर्फ एकदम पड़ा रहता है और बर्फ और हरियाली का संगम इतना बेहतरीन रहेगा कि इसको, इसकी सुंदरता को देखते हुए कालका शिमला रेल मार्ग को यूनेस्को में शामिल कर दिया गया। किसमें शामिल कर दिया गया? यूनेस्को में, है कि नहीं? इसका प्राकृतिक सुंदर इतना बेहतरीन ये है कि इसकी सुंदरता को देखते हुए बहुत पहले टीम जब आई थी यूनेस्को से यहाँ पर ये करने के लिए, भ्रमण करने के लिए, तो उस समय बुढ़ावा सबका टीम आई थी,
उस समय बूढ़ा बूढ़ा सा, तो बूढ़ा आदमी कतनो माने एगो आदमी एगो खास एज के बाद कतनो बढ़िया दृश्य देखाओ तो उनमें उतना एक्साइटेड और उतना उनमें ये थोड़े ना आएगा कि हाँ हाँ बहुत सुंदर है, उनको क्या मतलब, अब तो सरकार गिर गया है कि नहीं, अब जब सरकार खत्म हो जाए माने एगो बूढ़ा आदमी काम बताए। तो टीम जो आई थी वह काफ़ी ज़्यादा अनुभवी आ गई थी, तो उस समय इसको कालका शिमला रेल मार्ग को यूनेस्को में शामिल नहीं किया सब, है कि नहीं। लेकिन एक बार क्या हुआ कि एक बार वहाँ से नौजवानों की टीम जो है आई कालका शिमला रेल मार्ग घूमने के लिए, उसमें लड़की सब भी थी, है कि नहीं, माने नव युवक वैवाहिक जोड़े जो है यहाँ बहुत जाते हैं, नव युवक वैवाहिक जोड़े घूमने के लिए, है कि नहीं। तो नव युवक वैवाहिक जोड़े जब वहाँ से आए यूनेस्को से घूमने के लिए इसको कालका शिमला रेल मार्ग को, तो जानते ही हैं कि जहाँ पर औरत सब रहेगी चाहे लड़की सब तो देखते ही है कि नहीं, पहले तो 1 लाख फोटो खींचेगी, कहेगी तो नहीं खींचो तो फोटो चल गई वो सबके साथ अकेले, तो बनरे बना के रख देगी, कौनो दृश्य देखेगी एगो फूल तर बैठ जाएगी, कहेगी तो नहीं खींचे तो फोटो माने अतना फोटो खिंचवाएगी कि एकदम आप पागल हो जाइएगा, है कि नहीं, समझ रहे हैं ना। तो वहाँ पर तो जब ये आ गया कालका शिमला रेल मार्ग घूमने के लिए, उस सबको इतना पसंद आ गया भाई कि नहीं, कि इस कालका शिमला रेल मार्ग से जब यहाँ पर टीम भ्रमण करके यूनेस्को गई तो उसके कुछ ही दिन बाद इनको यूनेस्को में क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया, है कि नहीं। और वह समय रहा कालका शिमला रेल मार्ग को यूनेस्को में शामिल होने का जुलाई 2008 में कालका शिमला रेल मार्ग को यूनेस्को में क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया, कब, जुलाई 2008 में। अब कालका शिमला रेल मार्ग जो है जुलाई 2008 में जब यूनेस्को में शामिल हो गया है, तो आपको बता दें कि ये विश्व विरासत, यानी ये विश्व विरासत वाला में ये चला गया है, और दुनिया का कोई भी देश अगर भारत पर हमला करता है तो इसको बचाना पड़ेगा, अदरवाइज अगर आप नहीं बचाएंगे तो यूनेस्को में जितने देश हैं सब मिल के पूरा लाते लाते मारेगा सब, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए कोई भी विश्व धरोहर में कोई चीज शामिल हो जाता है तो उसकी रक्षा की जिम्मेवारी कौन ले लेता है, यूनेस्को, कौन ले लेता है, यूनेस्को, है कि नहीं। अब यह भारत का ही नहीं है, पूरे विश्व का है, समझ रहे हैं ना। तो कालका शिमला रेल मार्ग जो है यहाँ पर जुलाई 2008 में यूनेस्को में क्या हो गया, शामिल हो गया, है कि नहीं। और इसमें जो बहुत सारी ट्रेनें स्पेशल चलती है कि नहीं, और आपको प्राकृतिक दृश्य का जो है, मोबाइल है किसी के पास, दीजिए, खोल कर दीजिएगा, नेट है ना। कालका शिमला रेल मार्ग दर्शन करिए आप लोग, देखिए दिखाते हैं आपको ये कालका शिमला रेल मार्ग, पहले देखो कितना, देखो बोले थे ना कि बर्फबारी, देखो इसको ऐसे ही हम लोग इसमें शामिल नहीं किए हैं, किसमें, यूनेस्को में शामिल ऐसा ही नहीं है, देखो बर्फ पड़ रहा है, सोचिए इतना बेहतरीन ये जगह है कि इसकी सुंदरता को देखते हुए इसको किसमें शामिल कर लिया गया, देखो ये कालका शिमला रेल मार्ग है, जो कहाँ, कालका कहाँ पर, हरियाणा में, और शिमला कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश, इसके बीच में बनाया गया है, देखो कितना बढ़िया दृश्य, देखो है ना, हाँ पूरा एकदम बेहतरीन रहता है एकदम, देखो 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 अब बढ़िया दृश्य आया है। अब यहाँ पर देखिए, अब हम आपको, ये हो गया हमारा कालका शिमला रेल मार्ग, कब यूनेस्को में शामिल हुआ, जुलाई 2008 में। एगो जगह और है, कुल्लू के इसी सैडा में एगो मंडी जगह है, कौन सा मंडी, कौन सा मंडी, मंडी एगो जगह है, और मंडी के पास यहां पर एगो देवी शक्ति है, देवी नंदा देवी ना, नहीं नंदा देवी तो वहां पर है, देवी शक्ति अभयारण्य है, देवी शक्ति अभयारण्य देवी शक्ति अभयारण्य जो है, देखिए मंडी एगो जिला है और इसी में देवी शक्ति अभयारण्य बनाया गया है, यानी देवी शक्ति अभयारण्य है कि नहीं। तो ये कुल्लू के पास में है, कुल्लू के पास में,
ठीक। तो ये आज जो हम आपको जानकारी दिए हैं ये जगह से संबंधित, एक बार सभी लोग अब बताएंगे, ठीक ना। चलिए बताइए, बीच में कौन सा जगह? सब लोग बोलेंगे बीच में, उसके ऊपर, इस साइड में, चाय चाय कह रहे हैं। टी सिटी बताइए, टी सिटी पालमपुर। उत्तर भारत की चाय की राजधानी, आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है? जगह कौन सा? कालका और शिमला के बीच में एगो रेल लाइन बिछा दिया गया, क्या नाम है? कालका शिमला रेल मार्ग। इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है, कब? जुलाई 2008 में। अब यहाँ आ जाइए, सबसे ऊपर कौन सा जगह? धर्मशाला, उसके नीचे पालमपुर, उसके नीचे इधर कांगड़ा घाटी। कांगड़ा घाटी में कौन सा मंदिर? कांगड़ा घाटी में कौन सा मंदिर? मसरूर मंदिर। कौन सा? मसरूर। अब बताइए हई जगह कौन सा है? बिलासपुर। कौन सा जगह? बिलासपुर। तब बिलासपुर से हो करके कौन सी नदी जाती है? सतलज नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तिब्बत में। कहाँ पर? तिब्बत। आ तिब्बत किसके अधिकार क्षेत्र में? चाइना। कब? 1959। सब लोग नहीं बोल रहे हैं, 1959 में, 1959। तो हई जब ये नदिया आया तो इधर होते हुए बिलासपुर, आ बिलासपुर के जगह, बिलासपुर के पासे में एगो बांध बनाया गया। कौन सा बांध? भाखड़ा बांध। कौन सा? भाखड़ा। अब भाखड़ा बांध के चलते यहाँ पर एगो झील बनाना पड़ा। जब इसका पानी इस एरिया में फैल गया तो एगो झील का निर्माण किया गया। उस झील का नाम बताइए, गोविंद सागर झील जो है सिखों के किस गुरु के नाम पर? सिखों के 10वें गुरु के नाम पर गोविंद सागर झील का नाम पड़ा। सिखों के 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह के नाम पर। कौन सा? गोविंद सागर झील, ठीक है। अब देखिए, जब ये नदी आगे बढ़ती है, कौन सी? सतलज नदी। तो ये प्रवेश करती है कहाँ पर? पंजाब में। और पंजाब में बनाया गया इस नदी पर बांध, कौन सा बांध? नांगल बांध। कौन सा? नांगल। तो पंजाब में कौन बांध? नांगल। हरियाणा में कौन बांध? भाखड़। दोनों एक ही नदिया पर, किस नदी पर? सतलज। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया भाखड़ा नांगल बांध। इसकी ऊंचाई कितना? ऊंचाई बोलिए, 225 मीटर। 225 मीटर। यह गुरुत्वीय बांध है कि पिलर वाला? गुरुत्वीय बांध, याद रखिएगा। कौन सा? गुरुत्वीय बांध। अब यहाँ पर ये जगह कौन सा है? सोलन। कौन सा? मशरूम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जगह सोलन। दवाई उत्पादन सोलन। दवाई उत्पादन सोलन। अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जगह कौन सा? रिकॉन्ग पियो। कौन सा जगह? रिकॉन्ग पियो। मंडी में किस देवी का मंदिर? सॉरी, कौन सा अभ्यारण है मंडी में? देवी शक्ति अभ्यारण्य। देवी शक्ति अभ्यारण्य। सभी लोग बताइए, गठन कब हुआ इसका? 25 जनवरी 1971। क्षेत्रफल 55,673 किलोमीटर स्क्वायर। जिला कब? सबसे बड़ा जिला लाहौल स्फीति। सबसे बड़ा जिला लाहौल स्फीति। सबसे बड़ा जिला लाहौल स्फीति। भाषा भाषा कगो? तीन गो। पहला, दूसरा, तीसरा। वेरी गुड। आगे आ जाइए, विधानसभा सदस्यों की संख्या, विधानसभा 68, विधानसभा, राज्यसभा 3 गो, राज्यसभा 3, लोकसभा 4 गो, लोकसभा 4, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधानसभा 68, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, राजधानी, राजधानी, आलू अनुसंधान केंद्र, आलू अनुसंधान केंद्र शिमला, आलू अनुसंधान केंद्र शिमला। कोई दिक्कत इतना तक नहीं? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्लास कॉल।